नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज। श्री गणेश उत्सव प्रबंधन एवं सेवा समिति की ओर से अपना घर में निःशुल्क हृदय रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। प्रसिद्ध कार्डियक थेरोसिक सर्जन डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ बैलेंस बढ़ाना चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। बैंक बैलेंस बढ़ाकर भी हेल्थ बैलेंस करने पर ही खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गया है। यह रोग शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहकर अब गांवों में भी पैर पसारने लगा है। सर्जन अहमदाबाद से, एपिक हॉस्पिटल से, आज गणेश उत्सव समिति ने भव्य कैंप का आयोजन किया है। ये हृदय रोग का शिविर है और इसमें लगभग 350 पेशेंट्स आने वाले हैं। हृदय रोग की बड़ी समस्या हो गई है, दिल की बीमारी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि हम सब लोग एक दौड़ में लगे हैं जिसको कहते हैं बैंक बैलेंस, और हेल्थ बैलेंस पे अभी इंटरेस्ट लोगों को कम हो गया है। तबीयत की चिंता कम और बैंक की चिंता ज़्यादा कर रही है। तो हृदय रोग या दिल की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसके अनेक कारण हैं। हमारा खान पीन बिगड़ गया है, तला गला खाना, रिफाइंड फूड खाना, साथ में डायबिटीज़ भी बढ़ गया है, क्योंकि रिफाइंड फूड खाते हैं तो डायबिटीज़ बढ़ जाता है, और साथ में हमने एक्सरसाइज किया बंद कर दिया है, उससे डायबिटीज़ बढ़ जाता है। घी तेल ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उससे नसों की तकलीफ हो जाती है, चर्बी जमा हो जाती है। तो कुल मिला के खराब खाना, कम एक्सरसाइज, थोड़ा तम्बाकू का सेवन और ख़राब लाइफ स्टाइल, इससे हृदय रोग लगभग एक महामारी की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरा आदमी अब इसका शिकार बन रहा है, और हिंदुस्तान में कहा जाता है कि नंबर वन कॉज ऑफ डेथ हार्ट ट्रबल हो गया। एक ज़माना था कि इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कॉलेरा या ट्यूबरक्लोसिस या इससे मरते थे, पर अब सबसे नंबर वन कॉज ऑफ डेथ अब दिल की बीमारियाँ हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग अपना ध्यान रखें, कुछ अच्छी एक्सरसाइज करें, कुछ अच्छी कसरतें करें। कम से कम 30 मिनट कसरत रोज करनी चाहिए, कोई भी प्रकार के खाने पीने में घी तेल कम कर दो, तलावा मत लो, नमक 3 ग्राम से कम, पापड़ अचार पॉइजन समझ लो। अगर पापड़ आपकी टेबल पे है या अचार आपकी टेबल पे है तो उसको जहर माना करो, और साथ में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लंबा रह जाए। बैंक बैलेंस मत बढ़ाओ, पर हेल्थ बैलेंस पहले बढ़ाओ, नहीं तो बैंक बैलेंस बेकार है। आप जाओगे बाद में दूसरे लोग उसको प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हूँ एपिक हॉस्पिटल से, हार्ट सर्जन हूँ। हम लोग बिलवाड़ा में करीब 20 साल से रेगुलर आ रहे हैं और रेगुलरली यहाँ गणेश सेवा समिति के साथ कैंप कर रहे हैं। हमेशा हर बार हम लोग करीब 250 पेशेंट देखते हैं। यहाँ पर पेशेंट हमारे ऑपरेशन किए हुए भी काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। पेशेंट्स में हम लोग बेसिकली हम बाईपास सर्जरी, वाल सर्जरी और पर्टिकुलरली हम छोटे बच्चों के ऑपरेशन भी करते हैं, जिसमें नीलापन होता है, हार्ट में छेद होता है। ये सभी ऑपरेशन हमारे एपिक हॉस्पिटल में होता है। भीलवाड़ा में ये बहुत अच्छी जगह है, बट एक ही चीज़ होता है, यहाँ पर लोग तली हुई चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो हमारी एक निवेदन है कि तली हुई चीज़ें कम खाएं लोग, और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो अपने हार्ट की स्वस्थता बना के रखेंगे आप। तो बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ गणेश सेवा समिति में हर बार आते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से कैंप ऑर्गेनाइज होता है। सभी लोगों का इकोकार्डियोग्राफी, ECG सब निदान होके अच्छी तरह से डायग्नाइज होके ट्रीटमेंट हम सभी पेशेंट को देते हैं। बेसिक पेशेंट को क्या प्रिकॉशन चाहिए? बेसिक पेशेंट्स को यही प्रिकॉशन रखनी चाहिए, अपन वजन कंट्रोल में रखना है, तली हुई चीज़ें नहीं खाना है, वेट कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखना है। अगर ये सभी चीज़ों का आप रेगुलर एक्सरसाइज से कंट्रोल करते हैं और ज़रूर पड़े तो दवाई भी लेते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। अटैक आने का बेसिक सिम्टम्स तो अपन बोलते हैं ना, जैसे छाती में दर्द होना है, तो छाती में दर्द होता है वो बहुत कॉमन होता है, बट काफ़ी अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे लेफ्ट साइड के हैंड में पेन होना, या कभी थ्रॉट में पेन होना, या कभी सांस फूलना, ये भी थोड़े अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं। बट अगर कोई सिम्टम्स होता है तो डॉक्टर के पास जाके कुछ बेसिक टेस्ट करा सकते हैं, जैसे इको है, ECG है और TMT है। ये 3 टेस्ट से तो आपको पता चल ही जाता है कि उसमें आपको अटैक की प्रॉब्लम है कि नहीं है। बस वही है, आप हेल्थ बनाए रखें, तली हुई चीज़ें कम खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। महंगी है। अनिल जैन साहब ने मेरी विशेष का 2002 में ऑपरेशन किया हार्ट का, और मेरा 2006 में ऑपरेशन किया।
सब आराम से हम घूम 3-4 किलोमीटर घूम के हमें आ जाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। केवल मामूली कभी कभी दर्द होता है वो बताने के लिए आए हैं, बाकी उनका व्यवहार अच्छा है। जब मेरा ऑपरेशन किया तो उन्होंने कहा तुम्हारी 10 साल की उम्र बढ़ गई। मैंने कहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। बस